यमुनानगर में शनिवार को पहुंचे प्रदेश के गेस्ट टीचरों की हुई पुलिस के साथ झड़प के बाद देर रात भी शिक्षा मंत्री से गेस्ट टीचरों की बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद रविवार को गेस्ट टीचरों के साथ भारतीय किसान यूनियन भी कंधे से कंधा मिलाकर आन खड़ी हुई है। इसके चलते पुलिस की दिक्कतें और बढ़ती नजर आ रही है। गेस्ट टीचरों की रात सड़क पर निकालने के बाद रविवार सुबह भारतीय किसान यूनियन भी इनके साथ आन खड़ी हुई है। किसान यूनियन ने गेस्ट टीचरों को आश्वासन दिया है कि वह हर हाल में गेस्ट टीचरों के साथ है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने अब शिक्षा मंत्री को चेतावनी भी दी है कि अगर मौसम खराब हुआ और गेस्ट टीचरों की बात पर सुनवाई नहीं हुई तो वह शिक्षा मंत्री के घर सामने वाले शेड में डेरा लगा लेंगे। मन धन से हम अपने इन टीचर भाइयों के साथ हैं, साथ खड़े हैं, चाहे वो सड़क पर डेरा लगाना हो, चाहे वो बैरिकेड तोड़ के जेल में जाना हो, चाहे वो मंत्री की कोठी में जाना हो। तो साथियों अपनी सलाह कर लियो, मौसम भी खराब होता रखा, हो सकता है बरसात भी आए और फिर एक सैड बोर्ड बढ़िया देख कर गया हमने। गौरतलब है कि शनिवार को प्रदेश भर से गेस्ट टीचर यमुनानगर में इकट्ठा हुए थे। गेस्ट टीचरों की मांग है कि उन्हें रेगुलर किया जाए। अपनी मांगों को लेकर गेस्ट टीचर अनाज मंडी में इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद गेस्ट टीचरों ने विरोध करते हुए शिक्षा मंत्री के पुतले फूके और उनके आवाज की ओर कूच किया, लेकिन बीच में ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस और गेस्ट टीचरों के बीच झड़प भी देखने को मिली। वहीं इसके बाद रात भर गेस्ट टीचर सड़कों पर डेरा जमाकर बैठ गए। आज सड़कों पर यहाँ पर बैठा दिया शिक्षा मंत्री ने। मैंने एक साल पहले शिक्षा मंत्री को चैलेंज करके गया था, तू शिक्षा मंत्री बना है ना, अपनी डिग्री दिखा दे। एक साल हो गया तक अपनी डिग्री नहीं दिखाई, शिक्षा मंत्री बना दिया। जिस दिन बैरिकेड तोड़ने होंगे उस दिन सबसे आगे हमारी टीम होगी, गेस्ट टीचर पीछे होंगे भाई। नहीं तो फिर एक डेरा इधर हमारे साथी बैठे हैं, सड़क के उस तरफ एक डेरा हम लगा देंगे, बैठे रहेंगे जब तक बात मांग नहीं मानी जाएगी हमारे साथियों की। हम विश्वास दिलाते हैं आज तन मन धन से हम अपने इन टीचर भाइयों के साथ हैं, साथ खड़े हैं, चाहे वो सड़क पर डेरा लगाना हो, चाहे वो बैरिकेड तोड़ के जेल में जाना हो, चाहे वो मंत्री की कोठी में जाना हो। फिलहाल गेस्ट टीचरों के साथ भारतीय किसान यूनियन के आते ही पुलिस की चिंता और बढ़ती नजर आ रही है, और ऐसे में हालात को देखते हुए अब पुलिस ने बैरिकेडिंग की संख्या और बढ़ानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।